तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल कान्वी टेक्निकल ज्ञान में। और दोस्तों, इस वाले वीडियो में आप टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि हम दिखाने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कैंसिल कैसे करना है। तो दोस्तों, जो मेरा लास्ट वीडियो था, जो मैंने जब मेरा चैनल स्टार्टिंग में बनाया था, वो भी रैंक कर रहा है फ्लिपकार्ट ऑर्डर कैंसिल कैसे करना है। लेकिन उस वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी जो कि बाद में मुझे व्यूअर्स ने अपने कमेंट्स में पूछी। तो इस वीडियो में पूरा मैं उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद आपके सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने फ्लिपकार्ट के ऐप के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट के ऐप जैसे ही ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो आपने ऑर्डर किए हैं वो आपके माय ऑर्डर्स में दिखाएंगे। तो अपने ऑर्डर्स में जाने के लिए दोस्तों, आपको ये 3 लाइन्स यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ मेन्यू यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों, और आपको जाना है माय ऑर्डर्स के अंदर। जैसे ही आप माय ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से आपने ऑर्डर किए हैं। तो वो जो ऑर्डर आप कैंसिल करना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम पहले ऑर्डर कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कार्ट में हमने ये MI का 20,000 mAh का पावर बैंक है, इसे हमें ऑर्डर करना है। तो हम इसे ऑर्डर कर लेते हैं और बाद में कैंसिल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैंसिल कैसे करना है। तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और यहाँ पे पेमेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सारे क्वेश्चंस आपके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप पेमेंट मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं और अगर आप उसे कैंसिल करते हैं, तो सेम पेमेंट मेथड, यानी सपोज आप वॉलेट से करते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग के करते हैं, तो जो भी मेथड आपने जब पेमेंट के टाइम पे यूज़ किया होगा, कैंसिल करने के बाद आपका 7 से 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन आपका वर्किंग लगेगा आपका पेमेंट रिटर्न आने में। तो वही चीज़ हर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मेरा पेमेंट कैसे रिटर्न आएगा। तो जिस पेमेंट मेथड से आपने किया होगा, उसी पेमेंट से पेमेंट मेथड में आपका रिटर्न आएगा, आपके अकाउंट में, वॉलेट में या नेट बैंकिंग जिससे किया होगा, सेम उसी मेथड में आपका रिटर्न आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी। कई लोग कैश ऑन डिलीवरी करके फिर असमंजस में पड़ जाते हैं कि अगर हमने ऑर्डर कैंसिल किया तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है, यानी आपका ऑर्डर आने के बाद ही आपको पेमेंट करना है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। और अगर आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आपका ऑर्डर आएगा आप उसे रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न एक कैंसिल ही हुआ, यानी अगर आप रिटर्न करते हैं तो वन मीनिंग ऑफ वो कैंसिल ही हुआ। तो अगर आप रिटर्न कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैंसिल हो जाएगा और आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो आपको डिलीवरी लेना ही नहीं है। तो ये सिंपल सा मेथड है। तो होप ये सारे क्वेश्चन शायद आपके मन में होंगे जो मैंने क्लियर कर दिए। अब इसे कैंसिल करना है, कैसे करना है वो हम देख लेते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, सॉरी, इसको हम कैश ऑन डिलीवरी करके अभी प्लेस कर देते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे कैप्चा दिखा रहा है, तो इसको कैप्चा करके कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ऑर्डर हो गया है प्लेस्ड और अब हम इसे कैंसिल करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। तो सेम चीज़ है दोस्तों, अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, 3 लाइन्स पे आपको जाना है माय ऑर्डर पे। देखिए, यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो दिख रहा है, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा होगा पे एक शिप डिलीवरी। तो आप डिलीवरी से पहले कभी भी ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पे दोस्तों, कैंसिल का हमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैंसिल एंड नीड हेल्प। तो ये एक फ्लिपकार्ट का एक ट्रिक है ताकि आप ऑर्डर कैंसिल ना कर सके। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि कैंसिल का ऑप्शन है और हम यहाँ पे कैंसिल के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर खुल जाएगा कैंसिलेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप उसे कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। तो हम कैंसिलेशन के ऑर्डर पे यहाँ पे देखिए, ये रीज़न हम चूज़ कर लेंगे कि हम इसे कैंसिल क्यों करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कुछ सिलेक्ट करना है, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे कोई भी एक रीज़न हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कमेंट्स में लिख देते हैं कि ऑर्डर बाय मिस्टेक, यानी हमने ये ऑर्डर बाय मिस्टेक कर दिया है और हमें ये कैंसिल करना है। और इतना करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो चुका है और अभी कोई टेंशन नहीं है। कई बार लोग घबरा जाते हैं कि ये ऑर्डर हो गया है अब क्या करेंगे, तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये हो गया है हमारा ऑर्डर कैंसिल। तो होप दोस्तों आपको ऑर्डर कैंसिल कैसे करना है फ्लिपकार्ट के अंदर और सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी अगर कुछ छूट रहा है, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हूँ और मैंने पिछले वीडियो में भी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं 100% उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।